नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे आप ITI की कंपनियां ले लो, चाहे आप CTI की कंपनी या किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहां आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इंजन से रिलेटिव जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इसी वीडियो में आपको लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो हीट इंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये जो इस साइड है ये है इंटरनल कंबशन इंजन और इस साइड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं वो जैसे स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, और जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं जैसे स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसके अंदर पेट्रोल या डीजल के रूप में जलाया जाता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन वे इंजन होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल या डीजल इंजन यानी कंबशन चैम्बर में जला कर उससे जो शक्ति प्राप्त की जाती है उसको इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं ऐसे इंजन जिनमें जो फ्यूल है वो इंजन के बाहर जलता है उसे एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहा जाता है। इंजन का जो वर्गीकरण है, जो इंजन की जो किस्में हैं वो हीट इंजन में कौन कौन से आते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और एक्सटर्नल कंबशन इंजन में आते हैं जैसे स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन। और इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर कौन कौन से आते हैं? जैसे स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेसर इग्निशन इंजन। और आगे भी स्पार्क इग्निशन इंजन के 2 पार्ट हैं, 2-स्ट्रोक इंजन और 4-स्ट्रोक इंजन। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के भी 2 टाइप्स हैं, 2-स्ट्रोक एंड 4-स्ट्रोक। और इंजन की जो डेफिनेशन है, इंजन एक ऐसी हीट एनर्जी, एक ऐसी मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है, उसको इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन कितने प्रकार के होते हैं? जो एक्सटर्नल इंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्टीम इंजन एंड टरबाइन इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबशन इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इंटरनल कंबशन इंजन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है और कंप्रेसर इग्निशन इंजन में इंजेक्टर लगे होते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल को जलाया जाता है और कंप्रेसर इग्निशन इंजन में डीजल को जलाया जाता है। और स्पार्क इग्निशन इंजन में जो पेट्रोल का कंप्रेशन प्रेशर है वो 100 से 200 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच का हो जाता है और इसकी पेट्रोल की जो रेटिंग है वो ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है जो कि 94 है। और जो डीजल इंजन की जो रेटिंग है वो सीटे नंबर से जानी जाती है जो कि 48 है। और डीजल इंजन का जो कंप्रेसर प्रेशर है वो 350 से 650 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच का होता है। और पेट्रोल इंजन की जो कंप्रेशन रेशो है वो 6:1 से लेके 12:1 तक, और कई एग्जाम में 12:1 नहीं दिया होता है, 11:1 दिया होता है, तो इसको सही कर लेना है। जैसे 11:1 दिया है तो 11:1 ही करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट
स्ट्रोक के अनुसार इंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें बताना है आपने, जो स्ट्रोकें होती है उसके अनुसार जो इंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्ट्रोक के अनुसार इंजन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। स्ट्रोकों के अनुसार इंजन दो प्रकार के होते हैं, टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक। टू स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं? क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर लेने से पावर स्ट्रोक होती है और हर चक्कर में पावर स्ट्रोक होने पर इंजन बैलेंस चलता है। इंजन बोझ में हल्के होते हैं और इंजन साधारण डिजाइन में बने होते हैं। साधारण डिजाइन होने के कारण इसकी जो लागत होती है वो कम होती है और टू स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक होने के कारण क्रैंक शाफ्ट पर यूनिफॉर्म टॉर्क रहती है, जिससे जो फ्लाई व्हील है वो हल्का लगाया जाता है। इंजन में कम पार्ट होने के कारण बालब या बालब मैकेनिज्म होने के कारण फ्रिक्शन कम होती है और मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इंजन की जो आउटपुट होती है वो कम होती है क्योंकि न तो फ्रेश चार्ज पूरी तरह से सिलेंडर में भर पाता है और न ही एग्जॉस्ट गैसें पूरी तरह से जो बाहर निकल पाती है। हर दूसरी स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होने के कारण जो पिस्टन है, पिस्टन की जो गर्मी कूलिंग सिस्टम जल्दी नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये जो टू स्ट्रोक वाले इंजन होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और टू स्ट्रोक इंजन ज्यादातर एयर कूल्ड इंजन में ही बनाए जाते हैं और फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होती है क्योंकि फ्यूल की कुछ मात्रा एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है और इंजन हल्के होते हैं, जगह कम घेरते हैं। लुब्रिकेटिंग सिस्टम आसान है क्योंकि फ्यूल के अंदर ही लुब्रिकेटिंग ऑयल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। इंजन चलते समय ज्यादा आवाज करते हैं। ये थे टू स्ट्रोक इंजन के कार्य। अब बात करते हैं फोर स्ट्रोक इंजन की। तो क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर लेने में एक पावर स्ट्रोक होती है और टू स्ट्रोक में क्या होता था कि प्रत्येक चक्कर में पावर मिलती थी और फोर स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर लेने में एक पावर स्ट्रोक होती है और क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर लेने पर एक पावर स्ट्रोक होने से इंजन बैलेंस नहीं चलते। इंजन जो होते हैं फोर स्ट्रोक के वो बोझ में भारी होते हैं और इंजन का जो डिजाइन किया होता है वो भी पेचीदा होता है। पेचीदा डिजाइन होने के कारण लागत ज्यादा आती है और फोर स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होने के कारण क्रैंक शाफ्ट पर टॉर्क यूनिफॉर्म नहीं रहती, जिससे जो फ्लाई व्हील है वो भारी लगाना पड़ता है। इंजन में ज्यादा पार्ट होने के कारण ज्यादा फ्रिक्शन होती है और जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो कम होती है और इंजन की जो आउटपुट है वो ज्यादा होती है क्योंकि गैसीज सिलेंडर में पूरी तरह भर जाती है तथा एग्जॉस्ट गैसी पूरी तरह बाहर निकल जाती है। यह इंजन ठंडे होते हैं क्योंकि फोर स्ट्रोक में केवल एक ही पावर स्ट्रोक है, इसमें पैदा हुई गर्मी जो हीट है वो बाकी तीन स्ट्रोकों से सिलेंडर वाल्व या कूलिंग सिस्टम तक आसानी से पहुंच जाती है। फोर स्ट्रोक इंजन ज्यादातर वाटर कूलिंग सिस्टम प्रयोग होता है, वाटर कूल्ड इंजन बनाए जाते हैं और इसकी जो फ्यूल की कंजप्शन है वो कम रहती है और जो फ्यूल पूरी तरह इसका जल पाता है और इंजन भारी होते हैं और ज्यादा जगह घेरते हैं। लुब्रिकेटिंग सिस्टम पेचीदा होता है क्योंकि बाल्स इत्यादि लुब्रिकेंट वायल को पहुंचाना होता है और इंजन चलते समय कम आवाज पैदा करते हैं। ये थे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंबसन इंजन से क्या तात्पर्य है? तो इसमें बताना है कि इंटरनल कंबसन इंजन से क्या तात्पर्य है। ये इंजन होते हैं जिनके अंदर पेट्रोल या डीजल इंजन यानी कंबसन चैम्बर में
जलाकर शक्ति प्राप्त की जाती है, उसको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। जो इंटरनल कंबशन इंजन है उनका जो आविष्कार हुआ है वो 1876 में मिस्टर ऑटो ने किया था। उन्होंने क्या किया कि हवा और गैस को उन्होंने कंप्रेस किया, फिर उसको जलाया। गैस के जलने से जो शक्ति प्राप्त हुई उसको मैकेनिकल में प्रयोग किया गया, उसी के नाम से फोर स्ट्रोक साइकिल को हम ऑटो साइकिल भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर स्ट्रोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपने लिखना है ऑटो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्क इग्निशन इंजन से क्या तात्पर्य है। इस इंजन में हवा एयर एंड पेट्रोल के मिक्सचर को कंबशन चैम्बर में कंप्रेस करके स्पार्क प्लग द्वारा जलाया जाता है, और कंबशन चैम्बर और पेट्रोल के मिक्सचर के जलने से गैस फैलती है, उसे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। स्पार्क इग्निशन इंजन कैसे काम करता है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन में सक्शन स्ट्रोक, पहले तो 4 स्ट्रोक के होती है, कौन कौन सी, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक के हैं। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर ऊपर से नीचे की चाल चलता है, तो उसमें केवल हवा और पेट्रोल का मिक्सचर कंबशन चैम्बर में आ जाता है। इसमें इनलेट वाल्व खुला होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। उसके बाद चलती है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है तो जो एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है उसको दबा देता है, उस समय दोनों वाल्व बंद होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। प्रेशर को जो बढ़ाना कंप्रेसर के अनुपात और थ्रोटल ओपनिंग तथा इंजन की गति पर निर्भर करता है। पेट्रोल इंजन के अंदर जो कंप्रेशन रेशो होती है वो 9:1 से लेके 12:1 तक होती है, और कई गाड़ियों में 6:1 से लेके 12:1 तक होती है। और जो तब जो प्रेशर थ्रोटल पूरा खुला रखने के कारण उसमें क्या होता है, 6.3 से लेके 8.44 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 90 से 120 पाउंड प्रति वर्ग इंच पहुंच जाता है उसका जो कंप्रेशन प्रेशर है। ऐसा तब होता है जब पिस्टन पूरा टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाता है। उसके बाद आती है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पावर स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से पहले चार्ज को स्पार्क प्लग की सहायता से आग लगाई जाती है, जो कि हवा और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसे धमाके से आग लग जाती है, और इस आग लगने के कारण जो गैसें फैलती है सिलेंडर के अंदर, पिस्टन के एक चक्कर वाला भाग है इसलिए पिस्टन के सिरे के ऊपर काफी दबाव पड़ जाता है, जिससे वो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है, क्रैंक शाफ्ट घूमनी शुरू हो जाती है, जिसे हमें पावर स्ट्रोक कहते हैं। पावर स्ट्रोक में उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 2000 सेंटीग्रेड या 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 500 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक पहुंच जाता है। और उसके बाद आती है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व बंद होता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है। जो जली हुई गैसें हैं उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से वो जली हुई गैसें हैं उनको बाहर निकाला जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व लगभग 50 डिग्री बीडीसी से पहले ही खुल जाता है। पावर स्ट्रोक को छोड़ के अन्य 3 स्ट्रोक के आइडल स्ट्रोक के हैं, जो कि फ्लाई व्हील पूरी करता है।
फ्लाई व्हील का काम होता है कि पावर स्ट्रोक को छोड़कर अन्य तीन स्ट्रोक के पूरी करता है, और जो फ्लाई व्हील होता है उसमें उसको बीएचपी कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, और जो इंजन के अंदर जो शक्ति प्राप्त होती है उसे आईएचपी कहते हैं। सक्शन स्ट्रोक में केवल शुद्ध हवा, डीजल इंजन में क्या होता है कि शुद्ध हवा इंजन में प्रवेश होती है, और कंप्रेसर स्ट्रोक में उसको कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद आती है पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में इंजेक्टर लगे होते हैं, इंजेक्टर के माध्यम से उसको स्प्रे करके जो कंप्रेस की हुई हवा होती है उसको जलाया जाता है। उसके बाद आती है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता है जो जली हुई गैसें हैं उसको बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसर इग्निशन इंजन का क्या तात्पर्य है। इस इंजन में शुद्ध हवा को कंबशन चैम्बर में कंप्रेस किया जाता है, जिससे हवा का जो टेम्परेचर है वो 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। इस तापमान में इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को स्प्रे करके जलाया जाता है, जिससे गैसें फैलती है और उससे मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीसी किसे कहते हैं। तो बताना है आपने कि टीडीसी किसे कहते हैं। यह पिस्टन हेड का ऊपरी पॉइंट है जिसमें पिस्टन सिलेंडर से और ऊपर नहीं जा सकता, इसे आमतौर पर टीडीसी कहते हैं, टॉप डेड सेंटर। ये जो पिस्टन है ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसे कहते हैं टीडीसी, और जो नीचे का पॉइंट है इससे और नीचे नहीं जा सकता पिस्टन, तो इसको कहते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। और जो पिस्टन ऊपर से नीचे की चाल चलता है, जो ऊपर से नीचे की जो दूरी तय करता है उसे स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीडीसी किसे कहते हैं। यह वो पॉइंट है जिसमें पिस्टन और नीचे सिलेंडर में नहीं जा सकता, इसे आमतौर पर बीडीसी कहते हैं। तो बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर, पिस्टन इससे नीचे नहीं जा सकता, तो इसको कहते हैं बीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक क्या होती है, स्ट्रोक किसे कहते हैं। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक जितनी दूरी तय करता है उसको स्ट्रोक कहा जाता है, वो पिस्टन स्ट्रोक कहलाता है। पिस्टन ऊपर से नीचे की चाल चलता है तो जो दूरी वो तय करता है उसको स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इंजन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चीज है। सारे इंजन के कुल आयतन को इंजन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंजन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इंजन्स। तो इनलाइन इंजन होते हैं जो कि एक सीधी रेखा में होते हैं, और वी टाइप इंजन जो कि बी आकार में होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो कि सीधे होते हैं, और ऑपोजिट जो एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। उसके बाद आते हैं डब्ल्यू टाइप के, ये जो डब्ल्यू टाइप के हैं देख लो, और उसके बाद आते हैं रेडियल टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी का क्या तात्पर्य है। तो सीसी क्या होता है, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इंजन डिस्प्लेसमेंट को और किन नामों से जाना जाता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट को स्वेफ्ट वॉल्यूम या पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या है। तो इसमें बताना है आपने, जो क्लीयरेंस वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। जब पिस्टन के अंदर टॉप डेड सेंटर टीडीसी पर होता है तो पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्लीयरेंस वॉल्यूम कहा जाता है। क्लीयरेंस वॉल्यूम होता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है तो उसके जो बीच में जो दूरी होती है सिलेंडर हेड और जो कंबशन चैम्बर के बीच जो दूरी होती है उसका जो आयतन होता है उसको क्लीयरेंस वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन में कितना कंप्रेशन प्रेशर होता है। तो पेट्रोल इंजन में जो कंप्रेसर प्रेशर होता है वो
100 से 200 पाउंड स्क्वायर इंच का होता है। और जो पेट्रोल की जो रेटिंग है वो ऑक्टेन नंबर से जानी जाती है, जो कि 94 होती है। और डीजल इंजन का जो कंप्रेसर प्रेशर है वो 350 से 650 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच का होता है, और इसकी जो रेटिंग है वो सीटी नंबर से जानी जाती है, जो कि 48 है। आपको याद रखना है जो पेट्रोल होता है वो ऑक्टेन नंबर से जाना जाता है। पी में पीओ याद रखना है, पीओ जिसमें ओ आया वो पेट्रोल, और जिसमें डीजल डी आई तो इसमें सीटे नंबर, इसमें ओ नहीं आ रहा है तो इसको सीटे नंबर से याद रखना है। जिसमें ओ आ रहा है वो पेट्रोल का है, और जिसमें जो डीजल है उसमें ओ नहीं आ रहा तो ये सीटे नंबर याद रखना है आपने। ऐसे याद करने का तरीका बता दिया थोड़ा सा आपको। नेक्स्ट है, इंजन में बाल्ब लगाने वाले सिस्टम बताएं। आई हेड ओ एच वी का मतलब होता है ओवरहेड बाल्ब। एच टाइप, एफ टाइप, एल टाइप, टी टाइप, यो ये देख सकते हो आप डायग्राम में। एफ टाइप, आई टाइप, एल टाइप और टी टाइप ये डायग्राम में दिए हुए हैं हेड के डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन के लिए संपूर्ण निर्देश दीजिए। तो इसमें बताना है आपने डीजल इंजन, यदि कोई डीजल इंजन खरीदना है तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उसकी हॉर्स पावर, जितनी ज्यादा होगी उसकी पावर भी ज्यादा होगी। उसके बाद आता है इंजन के सिलेंडरों की संख्या, सबसे सही चीज। तो जब भी आप गाड़ी परचेज करते हो तो आपने देखना है कि कितने सिलेंडर इंजन गाड़ी है। छोटी गाड़ियां जैसे थर्ड सिलेंडर, तीन सिलेंडर में आती है, फोर सिलेंडर में आती है, तो मेरा तो मानना है कि आप फोर सिलेंडर की ही परचेज करें। उसके बाद आती है कूलिंग सिस्टम, सिलेंडरों की अरेंजमेंट। उसके बाद आता है डीजल इंजन के उपयोग के प्रकार। उसके बाद आता है एफआईपी पंप का प्रकार, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का प्रकार। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।